नमस्कार, आप देख रहे हैं जुबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। ट्रेन में भीख मांगने और सिगरेट पीने पर अब नहीं होगी जेल। रेलवे ने सरकार को भेजा कानून बदलने वाला प्रस्ताव। जी हाँ, रेलवे ने अपने पुराने कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने कैबिनेट के पास जो प्रस्ताव भेजा है उसमें इंडियन रेलवेज एक्ट 1989 के दो कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव शामिल है। प्रस्ताव के मुताबिक IRA के सेक्शन 144(2) में संशोधन करने की मांग की गई है। इससे ट्रेन, रेलवे प्लेटफॉर्म या स्टेशन परिसर में भीख मांगना अपराध नहीं होगा। इसके अलावा इंडियन रेलवेज एक्ट के सेक्शन 167 को भी संशोधित करने का प्रस्ताव भेजा गया है और अगर ये संशोधन स्वीकार हो जाता है तो इससे ट्रेन, रेलवे प्लेटफॉर्म या फिर स्टेशन परिसर में स्मोकिंग करने वालों को जेल की सज़ा नहीं दी जाएगी, उनसे केवल जुर्माना वसूला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार कई ऐसे कानूनों को बदलने या ख़त्म करने पर विचार कर रही है जो कि उपयोगी नहीं रह गए हैं। पीएम मोदी ने लॉन्च किया ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, देशवासियों से की आगे बढ़कर भुगतान करने की अपील। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग ऑफ द ऑनेस्ट यानी पारदर्शी कराधान ईमानदारों का सम्मान नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे कर सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने करदाताओं के लिए चार्टर यानी कि अधिकार पत्र का भी ऐलान किया है। उन्होंने देशवासियों से आगे बढ़कर ईमानदारी के साथ कर देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ लोगों के देश में मात्र 1.5 करोड़ लोग ही कर देते हैं। उन्होंने कहा कि आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं, न्यूनतम सरकार, कारगर प्रशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती हैं। ये देशवासियों के जीवन में सरकार के दखल को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब कर प्रणाली फेसलेस हो रही है, यह करदाता के लिए निष्पक्षता और एक भरोसा देने वाला है। उन्होंने कहा कि कर मामले में बिना आमना सामना के अपील यानी कि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। किसानों के लिए बड़ी खबर, रहस्यमय बीजों को लेकर सरकार ने जारी की चेतावनी। जी हां, कृषि मंत्रालय ने रहस्यमय बीजों के पैकेट को लेकर सभी राज्यों को चेतावनी जारी की है। दरअसल पूरे विश्व में लोगों को मिस्ट्री बीजों के पैकेट मिल रहे हैं। भारत में भी लोगों को इस तरह के पैकेट मिले हैं। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इन बीजों के रोपण से बायोडायवर्सिटी को खतरा हो सकता है। बताया जा रहा है कि ये बीज मौजूदा फसल को नष्ट कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बीज खतरा साबित हो सकते हैं। कई देशों को इस तरह के पैकेट से एग्री टेररिज्म की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय ने साफ कहा है कि अमेरिकी कृषि विभाग ने इनके पैकेट दिए गए आंकड़ों को घोटाला यानी कि ब्रशिंग स्कैम और कृषि तस्करी करार दिया है। USDA ने यह भी बताया है कि अनचाहे बीज पार्सल में विदेशी आक्रामक प्रजाति के बीज या फिर रोग जनकों या फिर रोग को पेश करने का प्रयास हो सकता है जो पर्यावरण, कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकते हैं। सरकार ने रहस्यमय बीजों के पैकेट को लेकर चेतावनी जारी की है। सरकार ने साफ कहा है कि रहस्यमय बीजों का पौधारोपण नहीं होने दे। पूरे विश्व में लोगों को रहस्यमय बीजों के पैकेट मिल रहे हैं। भारत, अमेरिका, जापान के लोगों को पैकेट मिले हैं। पैकेट में अलग अलग तरह के पौधों के बीज हैं। अधिकतर पैकेट चीन से भेजे गए हैं। रिलायंस खरीद सकती है टिकटॉक का भारतीय कारोबार। ByteDance ने मुकेश अंबानी की कंपनी से बातचीत शुरू की। जी हां, यूजर्स के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा बाजार रहे भारत में दोबारा आने के लिए टिकटॉक बेकरार है। टिकटॉक की पैरेंट कंपनी ByteDance इसके लिए भारतीय कारोबार को बेचने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ByteDance शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक का भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बेच सकती है। इस संबंध में दोनों कंपनियों के बीच जुलाई के आखिरी में बातचीत शुरू हुई थी। हालांकि दोनों कंपनियां अभी किसी भी सौदे पर नहीं पहुंची हुई हैं। इस पर रिलायंस, ByteDance और टिकटॉक ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
लद्दाख की गलवान घाटी में सीमा विवाद के बाद भारत सरकार ने चीन की 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया था। इसमें टिकटॉक, वीचैट, अलीबाबा ग्रुप का यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज जैसे पॉपुलर ऐप्स शामिल थे। प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए अब तक 23 कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी, खुद किराया तय कर सकेंगी कंपनियां। जी हां, भारतीय रेलवे यात्रियों को तेज और आरामदायक सफ़र उपलब्ध कराने के लिए प्राइवेट ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए रेलवे की ओर से प्री बीड बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी प्री बीड बैठक में 23 कंपनियों ने प्राइवेट ट्रेन चलाने में दिलचस्पी दिखाई है। इनमें बॉम्बार्डियर, अलस्टॉम, सीमेंस, भारत का नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। भारतीय रेलवे की योजना के मुताबिक कंपनियों को अपनी ट्रेनें चलाने के लिए दो विकल्प मिलेंगे। पहले विकल्प के तहत कंपनियों को खुद की ट्रेनें खरीदनी होगी, जबकि दूसरे विकल्प के तहत कंपनियां लीज पर ट्रेनें लेकर चला सकती हैं। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन प्राइवेट ट्रेनों के ऑपरेशन को लेकर पैदा होने वाले जोखिम का प्रबंधन कंपनियों को ही करना होगा। इन कंपनियों को अपने यात्रियों के लिए जाने वाले किराए को तय करने की छूट होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता की दलील, कहा सीबीआई को किसी राज्य से जांच की मंजूरी की जरूरत नहीं। जी हां, खबरों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने भी कोर्ट के सामने लिखित दलील दी है। दलील में मुंबई पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए गए हैं और मामले की बिहार में हो रही जांच को भी सही बताया गया है। लिखित दलील के मुताबिक केके सिंह ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि मुंबई पुलिस ने फरवरी में कोई एक्शन नहीं लिया, जब परिवार की तरफ से सुशांत के सिलसिले में शिकायत की गई थी। मालूम हो कि सुशांत के परिवार ने 19 और 25 फरवरी को मुंबई पुलिस को शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने दावा किया था कि क्योंकि लिखित में शिकायत नहीं आई है इसलिए एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो वहीं इसी बात पर भी सवाल उठाए गए हैं कि सुशांत सिंह मामले में मुंबई पुलिस की तरफ से कोई FIR क्यों नहीं दर्ज कराई गई। लिखित दलील में बताया गया है कि सुशांत के जान जाने के बाद जिन परिस्थितियों में उनकी जान गई उसके बारे में ठीक तरीके से जांच नहीं की गई। कहा यह भी गया है कि मुंबई पुलिस ने अगर किसी प्रकार की प्रारंभिक जाँच की होती तो एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं चल सकती थी, लेकिन इस केस में ऐसा होता नहीं दिखा। शिक्षा मंत्रालय ने दिया देश भर के विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा करने का साफ निर्देश। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और UGC की ओर से देश भर के विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा लेने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। हालांकि परीक्षाओं के साथ ही सभी विश्वविद्यालयों से छात्रों की सुविधा और सुरक्षा का भी ध्यान रखने को कहा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि अगर विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की फाइनल परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं तो इसमें वो किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें परीक्षाएं लेने के लिए कहा गया है। UGC की ओर से जारी दिशा निर्देशों में विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि ऑफलाइन, ऑनलाइन, ओपन बुक एग्जाम या फिर जो भी तरीका सही लगे उसके जरिए अंतिम वर्ष की फाइनल परीक्षाएँ ली जानी आवश्यक हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी BJP। जी हां, राजस्थान में विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। BJP विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि विधानसभा के शुरू हो रहे सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो वहीं राजस्थान BJP अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि सरकार में बहुत सारे मतभेद हैं, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है संभावना है कि वे विधानसभा में विश्वास मत ला सकते हैं, लेकिन हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी तैयार हैं। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सक्रिय मानसून रहेगा और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं। बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तरी ओडिशा, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ वर्षा हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क रहने की उम्मीद है।
आज का माइंड कुछ क्वेश्चन आ चुका है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।